मम्मी जी कैसा लग रहा है माचक पौधा को रोप कर? अच्छा लग रहा है। वहाँ पे देखिए, कैमरे पे देखिए, कैमरे पे देखिए। अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। तो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी का सीन ऐसा है कि गाइज मैं बहुत दिनों के बाद मतलब खेत में से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए वो भी प्याज गाछी वाले खेत में से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज। और अभी गाइज सुबह के 8 बज रहे हैं और गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं चापाकल का सामान वगैरह खरीदने के लिए गाइज, मतलब रक्सौल या फिर गम्हरिया जाएंगे लोग चापाकल का सामान वगैरह खरीदने के लिए, हम और मिस्त्री साहब। और देखिए गाइज यहाँ पर अंजलि इधर एकदम मस्त पीछे प्याज गाछी को पटा रही है और इधर मम्मी जी जो कि मिर्चा के पौधा को लगा रही है, देखिए उधर। और गाइज आज के मौसम का आप लोगों का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा सिनेमेटिक व्यू में। गाइज देखिए मम्मी जी कैसे मिर्चा के पौधा को रोप रही है। मम्मी जी कैसा लग रहा है मिर्चा के पौधा को रोप कर? अच्छा लग रहा है। वहाँ पे देखिए, कैमरे पे देखिए, कैमरा पे देखिए। अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। तो गाइज आज हम लोग जाएंगे चापाकल का सामान और खरीदने के लिए, और मटर भी गाइज खरीदनी है क्योंकि चापाकल बैठाना है, मटर भी बैठानी है गाइज क्योंकि प्याज पटाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मतलब बाल्टी से पानी भर भर के चापाकल से हम लोग पटा रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत हो रही है गाइज। और गाइज कहने का मतलब है कि जब चापाकल मतलब बैठ जाएगा, मोटर बैठ जाएगा तो मतलब प्याज गाछी को पटाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब हम लोग जाएंगे आज खरीदने के लिए और मतलब आज खरीद आएगा चापाकल वगैरह मोटर वगैरह का सामान वगैरह, और कल फिर बैठेगा। तो हम और मिस्त्री साहब जाएंगे लोग मतलब सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो चले चलते हैं लोग मस्त। और अभी गाइज हम खाना वगैरह मतलब नहीं खाए हैं, ब्रश वगैरह नहीं किए हैं, तो चले गाइज मस्त ब्रश वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइज अभी हम खाना वगैरह खा लिए हैं और स्नान वगैरह भी हो गया गाइज। और गाइज कहने का मतलब है कि अभी हम जा रहे हैं मतलब चापाकल का सामान वगैरह खरीदने के लिए, मतलब रक्सौल या फिर गम्हरिया जाएंगे। तो गाइज मिस्त्री से बात हुआ है ना, तो मिस्त्री बोला है कि मतलब हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, मतलब मेरे घर पर आ रहे हैं मिस्त्री साहब। तो हम और मिस्त्री साहब जाएंगे लोग बाइक से सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए उनका वेट करते हैं और उसके बाद हम तब तक बाइक वगैरह निकाल कर रखते हैं, जैसे वो आएंगे ना वैसे उसके बाद हम लोग चल जाएंगे सामान वगैरह खरीद के फिर लाएंगे लोग। तो चलिए, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाइक वाला घर में और देखिए बाइक हम निकालने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी हम बाइक निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए अभी हम बाइक निकाल कर द्वार पे खड़ा कर दिए हैं। और गाइस कहने का मतलब है कि अभी मिस्त्री साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं, मतलब घर पे आएंगे, बोले घर पे आने के लिए। तो आएंगे तो हम और मिस्त्री साहब जाएंगे लोग सामान वगैरह खरीदने के लिए चापाकल का। तो चलिए तब तक के लिए उनका मिस्त्री साहब का वेट करते हैं। और गाइस दो दिन पहले मतलब शिवरात्रि था, ठीक है, तो शिवरात्रि था दो दिन पहले तो हम मतलब बेर वगैरह खरीद कर लाए थे। तो देखिए आप अंजलि वहीं बेर खा रहे हैं, अभी देखिए देखिए गाइस मतलब ये इतना देखिए इसका बड़ा है, इतना बड़ा बेर खा रही है अंजलि अभी। क्या अंजलि, को जोर से बोलो ना, शर्माने का नहीं बोलने का, बोलो जोर से, जोर से बोलो क्या खा रहे हो? बेर। पढ़ना नहीं है? पढ़ना है। कब जा रहे हैं? कल। तो खा कर जाकर पढ़ो, क्या सुना है? पढ़ो, ठीक है, सुनाई दे रहा है? कैसा लग रहा है बेर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब गाइस देखिए मतलब 1 किलो बेर लाए थे, ठीक है, सारा बेर खा गई, हमको एक भी नहीं दे, बताइए आप लोग इतना बेर खाती है। और अमरूद बहुत ज़्यादा खाती है, देखिए उधर भाग रही है, कह रहे हैं तो शर्मा रही है। तो गाइस देखिए अभी चापाकल के मिस्त्री साहब आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह हाई बोली मिस्त्री साहब, इसमें हाई बोली ना इस तरह। और अभी हम जा रहे हैं सामान और खरीदने के लिए, ठीक है, तो चलिए चलते हैं लोग और फिर आप लोग से मिलते हैं लोग सीधा डायरेक्ट दुकान पे। तो चलिए जी, दुकान पे। और गाइस कहने का मतलब कि हम लोग जाने वाले थे रक्सौल, तो रक्सौल हम नहीं गए गाइस, यहीं पर मतलब सारा सामान मिल गया है। और गाइस देखिए यहाँ पर अपना बाइक वगैरह लगा दिए हैं, देखिए इधर अपना बाइक लगा दिए हैं गाइस। और गाइस चलिए चलते हैं चापाकल की दुकान में, देखिए गाइस यहीं चापाकल का दुकान, और यहाँ पर मिस्त्री साहब हैं और ये दुकान वाले भैया हैं, देखिए जो अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं चापाकल का, मतलब इसमें सब सामान वगैरह लेना है, मोटर वगैरह लेना है, देखिए यहाँ पर मोटर है, मोटर तो अभी सामान वगैरह निकला रहा है गाइस। देखिए भैया इसमें हाय बोलिए, तो इस तरह हाय बोलिए, इस तरह मुँह से बोलिए ना हाय। देखिए गाइस यहाँ पे पाइप नाप आ रहा है अभी, और पाइप नाप कर मतलब काटा जाएगा गाइस। और इधर गाइस कल वगैरह है, कल का हेड वगैरह है, तो इसमें से भी एक लेना है। तो गाइस अभी हम लोग सब सामान वगैरह निकला गया गाइस, और पाइप मतलब नापा भी गया और कटा भी गया गाइस, और सामान मतलब इतना ज़्यादा हो गया गाइस कि हम लोग को मतलब ऑटो बुलाना पड़ा है, ऑटो बुक करना पड़ा है गाइस। तो अभी हम लोग ऑटो बुक कर लिया गाइस, देखिए यहाँ पे ऑटो भी हम लोग बुक हो गया गाइज, और यहाँ पे सामान वगैरह देखिए हम लोग लोड हो रहा है, यहाँ पे ऑटो वाले भैया मतलब पाइप के ऊपर बांध रहे हैं देखिए, और बगल में मिस्त्री साहब हैं, और यहाँ पे हम लोग अंदर कुछ सामान वगैरह रख दिए हैं लोग, जो सामान था देखिए, तो भैया भी बांध रहे हैं पाइप को, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ।
तो गाइज अभी हम आ चुके हैं घर पे, देखिए उधर गाइज अपना घर है। और गाइज कहने का मतलब कि मेरे साथ मिस्त्री साहब आए थे ना, तो मिस्त्री साहब मतलब चले गए अपने घर, मतलब उनको जानता था हम गढ़वा, तो इसलिए गाइज अपने घर चले गए हैं। और गाइज अभी ऑटो मतलब रास्ते में है, ऑटो मतलब थोड़ी देर में पहुँचने वाला है घर पे, तो ऑटो गाइज आएगा तो मतलब सामान वगैरह उसमें से उतार देंगे लोग। तो चलिए गाइज ऑटो का आने का तब तक के लिए इंतजार करते हैं लोग। तो चलिए, तो गाइज अभी ऑटो वगैरह आ गया, देखिए यहाँ पे इधर ऑटो आ गया गाइज, अभी ऑटो पहुँचा है गाइज, देखिए। तो चलिए गाइज सामान वगैरह ऑटो पर से उतार लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज अभी ऑटो पर सामान वगैरह उतर आ गया है गाइज, और ऑटो मतलब गमहरिया का ही था गाइज, तो ऑटो मतलब चल गया है गाइज, सामान वगैरह उतर आ गया था तो ऑटो मतलब चल गया गाइज। और गाइज कहने का मतलब है कि ऑटो हम लोग वहीं से बुक किए थे गाइज, गमहरिया चौक से ही बुक किए थे लोग, और वहीं से हम लोग सामान वगैरह लिए थे हम लोग गाइज चापाकल का। तो गाइज अभी रात हो चुका है 4:00, देखिए यहाँ पे। और गाइज कहने का मतलब हम कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए गाइज, और अभी मैं और अभी हमारे किचन में गाइज, देखिए यहाँ पे अंजलि एकदम मस्त खाना वगैरह बना रहे गाइज, देखिए यहाँ पे अंजलि है, अंजलि इधर देखो कौन सी खाना बना रही हो, रोटी पका रहे हैं गाइज, यहाँ पे अंजलि एकदम मस्त खाना बना रही है, मतलब थोड़ी देर में खाना वगैरह बन जाएगा। तो चलिए गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।